वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हमारे जिला बिजनौर में 348 सीजे का पेपर, ये कोड वाला पेपर है। तो यहाँ पर आप हम इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा समय हो गया, बच्चों ने पेपर लेट दिया, नहीं काफी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाती। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, समय बिल्कुल खराब नहीं करते, चलते हैं पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। तो एक बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, हमने बच्चों को बता भी रखा था। CO2 आंसर इसका सही है, बहुत बढ़िया। किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर व्हाट्सएप एवं टिक लगा कर रहे हैं। तो भैया, यो ना होता है, इसमें है हेयर्स एवं चेयर्स, ये दोनों होते हैं। बच्चों को हमने बताया भी था, अगर याद होगा ऑफलाइन बैच में। यह घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। बिल्कुल बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ बच्चों ने इसका तीसरा या दूसरा ऑप्शन लगाया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पहला है, प्रेसल्क। इसको इंग्लिश में सेक्टम भी बोलते हैं, सेक्टम स्केलेटम। ये भैया पहला ऑप्शन सही है इसका। ये देखो, गुणसूत्रीय विकार, ये हमने बच्चों को पढ़ाया था इसमें, टर्नन सिंड्रोम में। कुछ बच्चे इसका हीमोफीलिया आंसर लगा कर आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने चौथा आंसर लगाया, इस बच्चे ने चौथा आंसर इसका लगा रखा था। स्त्री जयांग, ये पुष्प के भाग से क्वेश्चन आ गया है। स्त्री जयांग ये मैंने बताया था, बच्चों को पढ़ाया भी था, पूरी पुष्प की संरचना मैंने बताई थी बच्चों को, ये पुष्प की संरचना बताई थी। इसका ओवरी पार्ट हो जाएगा, ये इसका हमारा स्टाइल हो जाती है, यह स्टिग्मा हो जाता है, ये पूरा चीज मैंने आपको बताई थी, इसका चित्र बनाना था आपको अच्छे से। यहाँ पर एक नंबर का सवाल था ये, नाइट्रोजनीकरण मैंने यहाँ पर बच्चों को बता रखा था, ये हमने पूरा सिलेबस में पढ़ाया भी है, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा नाइट्रोजनीकरण शीथलीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवी के नाम। तो ये हो जाएगा नॉन स्टॉक, एक पहला आंसर होता है इसका नॉन स्टॉक और एनावेनल, दो थे बच्चे, इसमें कुछ नहीं था मेरे बच्चे, ये हमने बता रखा विषम युग्म था। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबने कर ही लिया होगा। जल वैद्युत कण, इसका देखिए, इसका यानी वैद्युत का मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये एक प्रकार की मशीन होती है, क्या किस प्रकार का काम करती है। इसका उपयोग डीएनए के टुकड़ों के अनुसार हो उसके आकारों के अनुसार अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक क्या है, एक प्रकार की मशीन होती है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये अगला क्वेश्चन रखा, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम बताइए, बिटिकॉन, बहुत अच्छा था ये तो। इस पर टिप्पणी भी लिखने को आ जाती कभी कभी, हम लोग बच्चों को पूर्ण रूप से बता रखा था। देखिए पेपर क्वेश्चन पूछ रखा, बताओ जैव विविधता की क्षति के प्रमुख दो कारण बताओ, बड़ा हलवा है, बताओ जैव विविधता के बारे में पूछ रखा, कौन सा, जलवायु। भैया जलवायु में तो अगर कहां कहां, कभी कभी हम भी कहीं पर जाते हैं, मान लो दिल्ली जाते हो कि जलवायु हम पसंद नहीं आती तो हमारे साथ क्षति होने लगती है वहां पर जलवायु के कारण। क्या किस प्रकार की, किसी के बाल उड़ने लगे, किसी को कोई क्या है यहाँ पर काला था वहां जाकर गोरा हो जाता है, तो इस प्रकार के क्या है, जलवायु का असर बहुत बढ़िया पड़ता है इसमें। क्षति का कारण प्रमुख कारण है नुकसान यहाँ पर, या प्रदूषण हो सकता है, दूसरा कारण प्रदूषण हो सकता है, प्रदूषण इसका आंसर। परजीवी जंतु पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पराजीवी, ये परजीवी नहीं है, पराजीवी है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है तुमने देखा होगा आजकल क्या होता है, इसमें एक विदेशी जीन होता है जिससे जानबूझकर उसके उसी जानवर के जीनोम में डाल दिया जाता है, जिससे क्या है नई नई नस्लें बनती, जैसे चूहा हो गया, सुअर की नस्ल हो गई, इस प्रकार की क्या बोलती नस्लें बनती हैं। सूक्ष्म जीवों में प्राप्त होने वाले दो अम्लों के नाम बताइए, दो अम्लों के नाम पूछे थे, एक तो हो गया लैक्टिक एसिड, एक हो जाएगा हमारा कौन सा हो गया लैक्टिक एसिड हो जाएगा एक हमारा, और एक क्या हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ये हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड, ये हो जाएंगे दोनों भैया। परागण क्या होते हैं, हमने बताया था परागण क्या होते हैं, परागण समझ लो ये पुष्प का ही भाग था, एक पुष्प के भाग में क्या होता है, एक पुमंग भाग होता है, पुमंग में क्या होता है जो ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक ऐसा संरचना होती है जिसे हम इसे बोलते हैं फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। फिलामेंट में यहाँ क्या होता है, एंथर होता है, एंथर में यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं, इन पोलन ग्रेन का क्या काम होता है, पॉलीग्रेन यानी परागकण का काम क्या होता है, इसमें क्या, इससे क्या होता है निषेचन होता है। ये जो पॉलीग्रेन है हमारे पराग कण है, ये कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा पर चले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, जैसे ओवरी, यहाँ से ओवरी में चला जाएंगे निषेचन बोलेंगे। ये क्या अनुलेखन आ गया भैया, अनुलेखन क्या है, अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन की पहले समझो, अनुलेखन ही क्या होता, अनुलेखन समझ लो पहले, अनुलेखन क्या होता,
अनुलेखन, अनुलेखन में क्या होता है बाबू? अनुलेखन में पेन सही है क्या? चल नहीं रहा शायद। अनुलेखन में क्या होता है? डीएनए में, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में उपस्थित, डीएनए में उपस्थित, डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक सूचना, अनुवांशिक सूचनाओं, सूचनाओं का एमआरएनए, एमआरएनए में स्थानांतरण यानी परिवर्तन, स्थानांतरण, स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन। चलो इसमें अनुलेखन के बारे में तो पूछा नहीं था, अनुलेखन क्या है, लेकिन इसमें ये पूछ रखा अनुलेखन के प्रमुख भाग बताओ। अनुलेखन के प्रमुख भाग होते हैं, एक तो होता उन्नयक इकाई, होता इकाई बतानी थी, उन्नयन इकाई बता रहे हम। दूसरा क्या होता है? संरचनात्मक होता है, संरचनात्मक होता है। और तीसरा क्या होता है? संपक इकाई होता है। ये होते हैं लो भैया जी तीन, तीन प्रमुख भाग होते हैं इसके, लिख दिया। बीजांड का क्वेश्चन पूछ रखा था यहाँ पर, बीज का, बीज का हमने पूरा एकदम बच्चों को एज इट इज इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया, बीज का कैसे जर्मिनेशन होता है, बीज क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑफलाइन बैच में इसमें हमने पढ़ा रखा था। सहभोजिता बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है इसका, कोई था बिल्कुल बिल्कुल हलवे क्वेश्चन थे दोनों। ये आगे मेंडल का क्वेश्चन आगे बताओ, मेंडल का ये क्वेश्चन स्टैंड भी नहीं करता, जबकि यहां से मेंडल से क्वेश्चन पूछ रखा, बताओ मेंडल बिल्कुल भी क्वेश्चन क्या नहीं स्टैंड नहीं करते थे बिल्कुल यहां से, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया मेंडल का क्या है, मेंडल कौन थे सबसे पहले थे, यही पूछ रखा भैया मेंडल कौन थे, इनका इनके बारे में मैं आपको बताऊं, 1832 में 1884 तक इनका जीवन काल पूर्ण रूप से रहा, और कहां ये ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, कुछ लोग इन्हें मैथमेटिशियन भी कहते हैं कि मैथ वगैरह में इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने कुछ लोग पादरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने पौधों के बारे में, पौधों के बारे में क्या बताया था बाबू, पौधों के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पौधों के कुछ सात प्रकार, सात करैक्टर्स के बारे में स्टडी किया, क्या किया, जिसमें पौधों की क्या बारे में था, पौधों की ऊंचाई के बारे में था, पौधों की ऊंचाई, बीजों का प्रकार, बीजों का प्रकार मेरे बच्चे, बीजों का प्रकार आ गया इसमें, बीजों का रंग की बात करी थी, बीजों के रंग की बात करी थी, उसके बाद फूल के रंग की बात करी थी, फलों के प्रकार की बात करी थी इन्होंने, किस प्रकार का फल बनेगा, फलों के रंग की बात करी थी बाबू इन्होंने, फलों के रंग की बात करी थी, पुष्प का स्थान ज्ञात के बारे में बात करी थी इन्होंने, तो पूरे होगा 1 2 3 4 5 6 7 इनके बारे में बात करी थी। लेकिन इसमें और क्या पूछ रहा कि इनके वंशागत नियमों के बारे में बताइए, इनके तीन नियम थे बाबू सबको पता होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये पूर्ण रूप से हमने बच्चों को पढ़ा भी रखे थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सह प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, सह प्रतिरक्षा बिल्कुल हमने बच्चों को पूर्ण रूप से इसके बारे में भी कक्षा में क्या कर रखा था, बिल्कुल बता रखा था, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्टैंड करता था, ये क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन इसके बारे में भी पूर्ण रूप से हमने क्लास में बता रखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसके बारे में, तो इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे तो। लेकिन इसके बारे में न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाइए, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का क्या करना है, चित्र का सचित्र वर्णन करना था। न्यूक्लियोसोम का एक पेपर खोल लिखा हूँ मैं, नया नया पेपर खोल लेता हूँ, ये हमारी वाइफ ने आर्ट करके यहाँ पर बहुत अति सुंदर, बहुत बढ़िया काम, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर पूछ रखा है बाबू, इसमें पूछ रखा था न्यूक्लियोसोम, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम क्या होता, क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं, ये प्रोटीन से बना होता है, बना होता है भैया, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर भैया क्या होता है, डीएनए, डीएनए लिपटा होता है, डीएनए, डीएनए लिपटा होता, लिपटा होता है। राइटिंग पर मत जाना भैया, मैं कुछ हिंदी में गलत भी लिख देता हूँ तो उसको इग्नोर करेंगे, इस टाइम सिर्फ पेपर का फास्ट देख रहे हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं होते। इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं ये इस टाइप से, ठीक है, हिस्टोसिन प्रोटीन होती है इसमें, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से डीएनए में लिपटी होती है, इस प्रकार से, इससे डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा होता है, इसे डीएनए इसके चारों तरफ क्या होगा, लिपटा हुआ होगा, ये इसका चित्र हो गया, ठीक है। ये प्रोटीन क्या होती है, ये प्रोटीन चार प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की क्या, कौन कौन सी होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होती है, ठीक है। इनमें दो दो क्या होते हैं, अणु होते हैं, दो दो पेयर्स होते हैं इनके, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, टोटल हो जाएंगे 8 अणु, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हिस्टोसिन प्रोटीन बोलते हैं, बात समझिए, इसका बना होता है ये हिस्टोसिन प्रोटीन, इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन बहुत हलवा था, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था, और अगला क्वेश्चन था, ये आ गया लो जी भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंड नहीं करता था, बिल्कुल स्टैंड नहीं करता था, जो पूछ रखा है इन्होंने फाइलेरियासिस, इसमें क्या होता है, हाथी पांव भी कह दें इसे, हाथी पांव भी कह देते हैं इस रोग को। इसमें क्या होता है, बुखार हो जाता, लोगों को बुखार सा महसूस होता,
ठीक है, बदन में खुजली हो जाएगी, पुरुषों के जननांग, जननांग पुरुषों के जननांग, यानी कि तुम्हें पता ही है जननांग के बारे में, मैंने पूर्ण रूप से आपको पढ़ा रखा था पुरुषों के जननांग, उसके आसपास में क्या हो जाती है दर्द और सूजन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा पैर हाथ पैर क्या हो जाते हैं सूज जाते हैं, सूजन आती है, इस रोग को क्या बोलते हैं फाइलेरिया या क्या बोलते हैं हाथी पाव भी इसे क्या कहते हैं हम कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लेवल का था, लेकिन बिल्कुल हल्का था, इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में आगा क्या, ये क्वेश्चन आ रखा भैया प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंजाइम, ये बच्चों को हमने बता रखा था प्रतिबंधन, हमारे जो हमने बच्चों को कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें बता रखा था, इसमें क्या होता है इसमें समझ लेंगे हम यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है डीएनए को काटकर, डीएनए को काटकर क्या करते हैं, डीएनए को देसी भाषा में बता रहे हूँ मैं बिल्कुल एकदम, इसमें कोई मैं रटाने वाली बात किताबी भाषा में बता ही नहीं रहे बिल्कुल, डीएनए को काटकर उसके छोटे टुकड़े कर ले जाते हैं, छोटे टुकड़ों में बदलने बदलने वाले, बदलने वाले एंजाइम को, विशिष्ट विशिष्ट एंजाइम को, विशिष्ट एंजाइम को, विशिष्ट एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। लो भैया हो गया, क्या आता है इसमें, डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटे, इसमें कुछ बात नहीं थी उसमें। और क्या पूछा था भैया, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लिक एसिड्स, इससे क्या होता है ये डीएनए के एक सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करता है, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लिक एसिड्स, ये डीएनए के भीतर से विशेष पहचान अनुक्रम करता है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। ये लो बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर आ गया भैया हमारा ही बायोरिएक्टर, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बताओ स्टैंड भी नहीं कर रहा बायोरिएक्टर यहाँ पर। बायोरिएक्टर में क्या होता है, एक प्रकार से क्या होती है एक बर्तन सा होता है ऐसा, हमने बच्चों को बताया भी था इसके बारे में बायोरिएक्टर, इसमें एक पैप लगा रहता है, यहाँ पर क्या होती है एक एयर के लिए स्पेस होता है, यहाँ पर एयर के लिए स्पेस होता है, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होता है इसमें, इसका चित्र मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, यहाँ पर क्या लगा होता है फॉर्म बैंकर लगा होता है यहाँ पर साइड में इसमें यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर एक ऊपर मोटर लगी रहती है, मोटर होती है इसमें ऊपर एक, इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान होता है जिससे सूक्ष्म जीवियों में, जिससे क्या होता है सूक्ष्म जीवी होगा एक तो सूक्ष्म जीवों में पौधों में जंतु में मानव के कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से क्या करा जाता है विशिष्ट पादपों में विशिष्ट एंजाइम आदि द्वारा में क्या कर जाता है बदल दिया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन स्टैंड करता था। पराग कोष आगे बताओ, इसमें पहली ही यूनिट का क्वेश्चन है पराग कोष, इसकी संरचना आ गई है पहले डब्ल्यू उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से। थैलेमेशिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए, इसमें क्या होता है इसमें एचबी का निर्माण होता है यानी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इसके कारण क्या है रक्त की अल्पता थैलेमेशिया का प्रमुख लक्षण हो सकती है इसका, इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है तिल्ली का बढ़ जाना, सांस का फूलना और थकान जैसे लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और काफी बड़ा है ये, इस पर चर्चा करेंगे किसी और किसी दिन ऑफलाइन बैच में, या समय मिला तो हम यूट्यूब पर भी इसको समझा देंगे। पीय पदार्थ आ गया, बताओ क्या हो गया, पीय पदार्थ वाला क्वेश्चन जैसा आ रहा है, इसमें क्या होता है किण्वित, ये होते किण्वित पीय पदार्थ, एक प्रकार के फलों का रस होता है जो विभिन्न प्रकार से जो क्या होता है जो विभिन्न प्रकार के किण्वन पदार्थ संरचना द्वारा तैयार किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के वाइन जैसे शराब, शराब की मात्रा, मात्रा हर शराब में वाइन की मात्रा क्या होगी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे वाइन हो गया विभिन्न प्रकार की होती है, वाइन हो गया जैसे स्पैन हो गया, साइडर हो गया, पॉर्ट हो गया, सैरी हो गया, विस्की हो गई, रम हो गई, ब्रांडी हो गई, इस प्रकार की हो सकती है, इस प्रकार की हो सकती हैं। स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां में बिल्कुल ये कुछ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल हलवा था स्तन ग्रंथियां, बालक उलझ गया क्या होती है स्तन ग्रंथि, ये क्या ये हम बना हमने क्लास में ही बनवाया था ये ऑफलाइन बैच में, सॉरी ये लो भैया ये स्तन ग्रंथि हो गई, ये क्या हो गई, ये स्तन ग्रंथि होती है माता में होती है, इससे दूध अपने बच्चे को शिशु को दूध पिलाती है माता, ये हो गई लो जी स्तन ग्रंथि, ये निप्पल हो गया, यहाँ पर इसकी क्या हो गई सेल्स हो गई है यहाँ पर इसकी पूर्ण रूप से, ठीक है ये पूर्ण रूप से इस प्रकार हो सकता है, ये पूर्ण रूप से मैंने जो आगे के पेपर मैंने आपको बताए थे, अब ये कुछ क्वेश्चन है ये विस्तृत क्वेश्चन है सब हमने करा रखे थे, इसमें कोई इतना भारी पेपर नहीं था, जैव विविधता आ गया, अनुकूलन आ गया, दोनों क्वेश्चन हमने बता रखे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका ये भी हमने आपको करा रखा था, प्रतिरक्षा ये भी हमने करवा रखा था आपको, ठीक है तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको हमने ना बताया हो, लेकिन जो बच्चे ने पढ़ा होगा उसने झटपट पेपर कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये आज का पेपर था, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके आपने वॉच किया धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और इसी प्रकार से बने रहे, हाई स्कूल का पेपर आएगा तो उसका भी मैं पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।